अस्सलाम वालेकुम। अल्टा बर्निंग के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग जो है एक क्रिप्टो करेंसी में वर्क करते हैं और बहुत सारी चीज़ जो है, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो हमें इंडिया के एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है विड्रॉल लगाने के लिए और अपने कॉइन को कन्वर्ट करने के लिए। तो इंडिया का तो मैं समझता हूँ जेप्पे और यूनिकॉर्न है, इससे बेस्ट तो शायद ही कोई मुझे एक्सचेंज लगा। दो तीन एक्सचेंज भी आए थे बट मुझे वो समझ में नहीं आया। बट अभी एक नया एक्सचेंज आया था, आपने सुना होगा शायद, बिटबिन्स के नाम से। ये देखिए, ये जो है बिटबिन्स एक्सचेंज है ये। तो इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ मैं इस एक्सचेंज के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस एक्सचेंज के बारे में बताने वाला हूँ कि देखिए, एक इंडियन एक्सचेंज है। सबसे पहले इसमें जो है, मैं आपको बताऊँ कि ये एक्सचेंज का सपोर्ट केयर कोई नंबर नहीं है, ना कोई ईमेल आईडी, कोई जीमेल आईडी नहीं है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सचेंज की सबसे बड़ी कमी यही हो सकती है कि कोई सपोर्ट केयर, कस्टमर केयर नंबर नहीं है। और देखिए, आपको मैं बताऊं, 23 अप्रैल 2018 को मैंने 5000 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट किए थे, ओके सर। और इसके बाद मैंने विड्रॉल लगाया था आज से 10 दिन पहले, और विड्रॉल लगाया था और यहाँ 10 घंटे के बाद इसमें यहाँ स्टेटस में लिख कर आया था, सेंड टू योर बैंक अकाउंट। आज मेरी बात 13 दिन हो गए। आज इनका एक टेलीग्राम चैनल चलता है सर, टेलीग्राम चैनल पे मैंने एडमिन से बताया कि सर 12 दिन हो गए, मेरा विड्रॉल नहीं आया, मेरे पैसे अकाउंट में नहीं आए। उसके 10 मिनट के बाद मेरा ये स्टेटस यहाँ से उन्होंने ख़त्म कर दिया, कोई स्टेटस नहीं आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, सेकेंड व्यू हो गई। अब थर्ड व्यू उनके मैं बताऊं इस एक्सचेंज के बारे में, सर यहाँ पे जो आपके कॉइन्स हैं, इस कॉइन्स को भी आप दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने इतना चार्ज रखा। अभी ट्रॉन कॉइन है, मैं 80 कॉइन मैं दूसरे एक्सचेंज पे लेकर जा रहा था तो यहाँ पर 50 कॉइन का फीस ले रही है। सर बताइए मुझे, तो ये स्कैम कुछ, ये एक्सचेंज जो है कुछ फ्रॉड लग रही है मुझे, स्कैम कर रही है लोगों के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझ कर इसमें ट्रेडिंग करें, अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो कि मेरा नुकसान हुआ है तो किसी और का भी नुकसान हो। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे ज़्यादा पैसे ना लगाएं। अपने कॉइन अगर कहीं लेके भी जा रहे हैं तब भी ये ज़्यादा से ज़्यादा फीस ले रही है, विड्रॉल लगाएं तो अकाउंट पे पैसे नहीं दे रही है। तो प्लीज़ आप लोग सोच समझ कर इसमें पैसे लगाएं। पहली बात क्या, आप इस पे तो एक्सचेंज पे प्लीज़ आप ट्रेडिंग ही ना करें, क्योंकि ये मुझे स्कैम लग रहा है, ये कुछ ना कुछ लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। प्लीज़ सर मेरी बात को ध्यान से सुने और समझें, थैंक यू।